नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांसी टेक्निकल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में दोस्तों आईटी टेक्निकल हेल्पर की जो वैकेंसी आई है उसके एग्जाम फॉर्म को लेकर जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं शेयर करने वाला हूं आप सभी आईटी दोस्तों के लिए। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है वो काफी स्टूडेंट्स का है कि अभी तक जो है आईटी सर्टिफिकेट नहीं आया है। अभी तक मेनली आईटी सर्टिफिकेट कौन से स्टूडेंट्स का नहीं आया, जिनके या तो किसी सब्जेक्ट में बैच चल रहा है या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन सेशन 2019 से 21 था, तो 21 में इनके एग्जाम हो नहीं पाए थे। इनके एग्जाम हुए अभी 2022 जनवरी फरवरी 2022 में लगभग इनके जो है एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अभी तक जो है इनका सर्टिफिकेट नहीं आया है। एक तो ये वाला सेशन और इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जिनके किसी सब्जेक्ट में बैच चल रहा है तो उनका जो सर्टिफिकेट है अभी तक नहीं आया है। तो क्या ऐसे स्टूडेंट जो है क्या टेक्निकल हेल्पर थर्ड का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं? ये क्वेश्चन जो है काफी स्टूडेंट्स का है, तो इसका आंसर जो है सिंपली मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन सेशन 2019 से 21 था या फिर अभी तक किसी सब्जेक्ट में बैक है और उसका रिजल्ट नहीं आया है, मतलब उनको अभी तक आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो ऐसे स्टूडेंट भी जो है इस टेक्निकल हेल्पर थर्ड की जो वैकेंसी है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों को देखो सर्टिफिकेट तो अपलोड करना है नहीं, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो पासिंग ईयर है मतलब आईटीआई कब कंप्लीट हुई वो पासिंग ईयर लिखना है, पासिंग ईयर जो है आप लोगों को लिखना है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स जो है 2022 यहां पे लिख सकते हो, 2019-21 बैच वाले जो स्टूडेंट्स थे वो तो 2022 लिख दे, इतना सफिशियंट है, ठीक है। इसके अलावा ना ही तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे हो, ना ही आपसे मार्कशीट मांग रहे हो, ना ही आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, केवल आप लोगों को पासिंग ईयर डालना है। तो पासिंग ईयर आप लोग कुछ भी डाल के जो है फॉर्म भर दीजिए, उसके बेसिस पे जो है आप लोग एग्जाम दे पाओगे। एग्जाम देने के बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उससे पहले यदि आप लोगों का सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप बिल्कुल वहां पे एलिजिबल रहोगे, और यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय से पहले यदि आपका सर्टिफिकेट नहीं आ पाता है तो फिर जो है आप लोग रिजेक्ट हो जाओगे, वहां से जो है निकाल दिए जाओगे। तो यहाँ पे जो है मेनली आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म आप लोग आसानी से फिल कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप में से कोई फॉर्म भरना चाह रहा है और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, अभी आईटीआई में जस्ट उसने एडमिशन लिया ही है, वो भी फॉर्म भर सकता है, यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, लेकिन आपको पता है यदि सिलेक्शन होता है तो उसके बाद में जो है वो एलिजिबल नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो भी फॉर्म भरे ताकि उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे क्या है एग्जाम लगता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह कैसे पूछे जाते हैं, तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को पता चल जाएगी। तो मैं यही चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड के हैं वो सभी जो है इस टेक्निकल हेल्पर थर्ड की जो वैकेंसी इसका फॉर्म फिल करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है लगातार प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।